नमस्कार, शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको नेचुरोपैथी से अलग नेचर की ओर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग लेके जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, तमिलनाडु के तंजावर में एक मंदिर है जिसका नाम है वृद्धेश्वर मंदिर, जो पूरी तरह ग्रेनाइट का बना हुआ है और विश्व में ये अपनी तरह का पहला एक मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसकी भव्यता, वास्तुशिल्प और इसके गुंबद हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा या मालूम होगा कि यूनेस्को ने उसको विश्व की धरोहर घोषित किया है। अब आप कहेंगे कि मैं इसके बारे में ऐसा क्या बता रहा हूं कि इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके पीछे कुछ रहस्य हैं। वो रहस्य क्या है कि राजा राजचोल इस मंदिर के प्रवर्तक थे और उनके शासनकाल में इस मंदिर की जो गरिमा थी वो श्रेष्ठ थी। ये मान के चलिए कि चोल वंश के शासन के समय में वास्तुकला श्रेष्ठम उपलब्धि थी। राजा चोल एक शासनकाल में यानी 10-10 एडी में ये मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ और वर्ष 2010 में इसके निर्माण के 1000 साल पूरे हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 1000 साल पुराने मंदिर के बारे में, और ये अपनी तरह का एक कमाल का मंदिर है। इसकी वास्तुकला के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसका सबसे बड़ा कमाल क्या है कि ये 1,30,00,000 टन ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ग्रेनाइट को कहां से लाया गया, कौन लाया, कैसे लाया, क्योंकि इस मंदिर के आसपास में कई सौ किलोमीटर के दूर में ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलता। और ये कैसे लाया गया, और इसमें विश्व की ऊंचाई है इसके दुर्ग की, ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। दक्षिण भारत की वास्तुकला का सबसे अनोखा मंदिर है जिसको कहते हैं वृद्धेश्वर मंदिर। मंदिर में बहुत सी मूर्तियां हैं, एक सांड की मूर्ति है। जी हां, तंजावर का पेरिया कोवल विशालों की दीवारों से घिरा हुआ है और ये 16वीं सदी में बना था। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। संभवतः ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। और मंदिर के ऊपर रखा हुआ जो कलश है वो कैसे स्थापित किया है, केवल एक पत्थर को बनाकर तराश कर बनाया गया वो कलश, जिसका वजन 80 टन, केवल एक पत्थर से तराशी गई नंदी सांड की मूर्ति जो प्रवेश द्वार पर रखी गई है, जो 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है। कमाल है कि नहीं उस वास्तुकला का, जहां पर वैज्ञानिक चुप हो जाता है, विज्ञान ठंडी बढ़ जाती है, उसको कुछ जवाब नहीं सूझता। और सबसे अच्छी बात कि हर महीने जब भी सत भीषम का सितारा बुलंदी पर हो तो उस मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि राजा राम के जन्म के समय यही सितारा अपनी बुलंदी पर था। और हां, कार्तिक के महीने में भी इसका उत्सव बनता है जिसका नाम कृतिका है। एक 9 दिवसीय उत्सव मई, जिसे हम वैशाख कहते हैं, उस महीने में भी मनाया जाता है। और सबसे बड़ी कमाल यह है कि इस पर ग्रेनाइट कैसे आया होगा। ग्रेनाइट की खदान मंदिर के 100 किलोमीटर की क्षेत्र में भी नहीं है। है ना हैरानी की बात कि ग्रेनाइट पर नक्काशी करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी चोल राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर पर बारीक नक्काशी का कार्य करके खूबसूरती की मिसाल पेश की है। और आपको एक चीज और मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1954 को 1000 रुपए का नोट जारी किया इस मंदिर के ऊपर, जिस पर वृद्धेश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक साल पूरा होने के बाद भारत सरकार ने इसके ऊपर इस तरह का एक नोट किया और 35 ग्राम वजन का ये सिक्का, 1000 रुपए का स्मारक सिक्का, जी हां, उसका 80% उसमें चांदी है, 20% वो तांबे से बना है।
सोचिए 1000 रुपए का सिक्का भी भारत सरकार ने किया। तो आप ये मान के चलिए कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ये एक ऐसा मंदिर है जिसको कोई तंजई पेरिया कोविल राजा रामेश्वरम राजेश्वर मंदिर कहता है, पेरुबुद्दियार कोविल कहता है, इसको कई नाम से जाना जाता है। और ये भगवान शिव का विशाल मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये माना जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। इसकी सबसे बड़े रहस्य की कमाल ये है कि इसकी छाया, जी हां, इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि पिरामिड की आकृति जो दक्षिण भारत के मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है, उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के गर्भ में चारों ओर दीवारों पर भित्ति चित्र बने हैं जिसमें भगवान शिव की अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई। यहां पर आकर विज्ञान चुप हो जाता है। पुरातत्व विभाग ने इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया क्योंकि भगवान शिव असुरों के किलों का विनाश करके नित्य कर रहे हैं, एक श्रद्धालु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक सफेद हाथी भेज रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको पहले जैसा बनाने की कोशिश की और जो ये अपने आप में तैयार हुआ और बेहतर बनकर एक नई चीज आई। लेकिन कमाल ये है कि विज्ञान यहां आकर चुप हो जाता है, विज्ञान को कोई जवाब नहीं सूंघता। कमाल का है बृहदेश्वर महादेव का मंदिर। आप भी चाहें तो इसके दर्शन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी अच्छी जानकारी अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम नेचुरोपैथी चैनल पर देते हैं, इसका आनंद लीजिएगा और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।